अरविंद जी जो सवाल आ, मैं आगे आपसे पूछने वाला हूँ वो सवाल आप पर भी है वो सवाल हमारे ऊपर मीडिया पर भी उठता है इसलिए उठता है क्योंकि जब आ, साल में एक बार पॉल्यूशन आता है तो हमें भी पॉल्यूशन की याद आती है वरना मीडिया भी भूल जाता है पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए आपके दोनों स्टेट्स हैं दिल्ली भी और पंजाब भी जहाँ से ये दोनों समस्या बनी हुई है आप इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आए हैं लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा क्योंकि फिर अगली बार वैसी स्थिति बनेगी और कोई ऐसे प्लान दिखाई नहीं देते हैं। हमें ना सेंटर की तरफ से दिखाई देता है ना आपकी तरफ से कोई दिखाई देता है तो दो चीजें एक तो बाकी साल के दौरान सर्दियों में समस्या ज्यादा होती है पोल्यूशन की इस वक्त अगर आप देखें तो पोल्यूशन रीजनेबली कंट्रोल्ड लेवल में है इस टाइम पोल्यूशन ज्यादा नहीं है दिल्ली के अंदर लेकिन जब वो अक्टूबर नवंबर आता है और पराली जो हरियाणा पंजाब से आके जल ज, 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 जलती है और यहाँ पे धुआं आता है उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मान साहब जो है पंजाब के अंदर कई सारे उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं इस साल बताया जा रहा था कि 30 परसेंट पोल्यूशन कम हुआ है लेकिन 30 परसेंट पोल्यूशन कम होना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है हमें पोल्यूशन खत्म करना है तो कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार अपने लेवल पे ले रही है कि हम इंटरनल सोर्सेस को कम करें और वो पंजाब के स्तर के ऊपर ले रहे हैं मुझे उम्मीद है कि ये पचहत्तर साल पुरानी प्रॉब्लम है साल दो साल और लगेंगे लेकिन ठीक हो जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा मतलब आप कह रहे हैं कि अगले दो साल में दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या कम, हो, कम होगा काफी कम होगा ये एक इस इस इन दो महीनों के दौरान